यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे दिल पे ना ले वरना दिल का दौरा पड़ने का अधिक संभावना है। मेरे दादाजी का बड़ा हो गया है तो हेलो हांजी कौन हेलो 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 हाँ भाई किससे बात करनी है। हेलो आयशा देखो आज के बाद मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। अबे ओए उजड़े हुए रियासत के बिगड़े हुए नवाब, अबे कौन सा स्टेशन पकड़ लिया है, क्या हो गया तुझे? अबे रोएगा ही कि कुछ बताएगा भी? मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया। अबे तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया है तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? उसके बारे में सोचता ही क्यों है? इस दिल को ये समझा लिया हमने। अरे वाह ये हुई ना बात, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दे, अब दूसरी पटा ले। गर्लफ्रेंड जो ढूंढन मैं चला, गर्लफ्रेंड मिली ना कोई। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहा है, तू तो बहुत हैंडसम है, तुझ पे तो लाखों लड़कियां मरती है, उनमें से किसी एक को पटा ले। वो बहुत खूबसूरत है लेकिन मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। वो बहुत बोलती है पर मैंने उसे कभी सुना ही नहीं। प्यार हो गया मुझे उससे। जब तुझे वो पसंद है तो उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देता? I love you. अबे रात को ज्यादा ले ली थी क्या जो इतना बड़बड़ा रहा है? ज्यादा मत पिया कर। अरे बाप की पिया। नहीं भाई नहीं, मेरे बाप का क्यों पियोगे? मेरा बाप तो किसी को हाथ ही नहीं लगाने देता है, खुद मुझे तो पीने ही नहीं देता है, तो तुम्हें कैसे पीने देगा? अरे अरे भाई लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है, अब फोन रखता हूँ, तुम्हारा नशा उतर जाए तब फोन करके बात कर लियो। भाई लोगो जिसको जिसको रियाज पसंद है लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। हेलो हेलो बोलो रियाज, आज बिल्लू को कैसे याद कर लिया? मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो मुझसे पूरा दिन बात कर सकते हो। चलो अब बताओ कौन सी बात है? गरीबी में जीने कला है। हाँ मान लिया होगा कला, पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम खानदानी गरीब है। मैं नहीं मानता, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत अमीर हो जैसे कि अंबानी। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुष्टा गरीब। यकीन तो नहीं हो रहा है लेकिन जब तुम अपने मुंह से बोल रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। हम शुद्ध गरीब हैं। अरे गरीबों के मसीहा आगे भी कुछ बोलोगे या मैं फोन कट करूं? यार मेरी बीबी का स्वभाव बहुत खर्चीला है। ये क्या, तुमने शादी भी कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया? वैसे तू बहुत नालायक है, अपने शादी में लंगोटिया यार को नहीं बुलाया, तू बहुत कमीना दोस्त है यार। हाँ। चल वो सब छोड़, ये बता कैसी है तेरी बीबी? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। कितना हार्ड मिली है, क्या हो गया है? हर दूसरे दिन बोलती है 2000 रुपए दे दो, 5000 रुपए दे दो, मैं तो तंग आ गया। भाई वो इतने पैसों का करती क्या है? पता नहीं। अपनी बीवी का फोटो तो दिखाइए जरा, मैं भी तो देखूं कैसी हूर मिली है तुझे। तेरी बीवी यही है क्या? हाँ। अरे ये तो कालू की सेटिंग है, इसे तो मैं हर रोज कालू के साथ पुचका खाते हुए देखता हूँ अपने चौराहे पे। रियाज भाई लगता है तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। तो तभी मैं सोचूं कि तुमसे वो 5000-2000 रुपए हरदम क्यों मांगती रहती है, ताकि वो कालू के साथ जाके पुचका खा सके। दर्जी कपड़ा सीने से पहले लेता है नाप। हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हो आप? अबे अंग्रेज की औलाद हिंदी भी बोल लिया कर कभी कभी, गायों का गोबर उठाना है मेरा काम, अब अंग्रेज की औलाद बता दे हिंदी में तू अपना नाम। बाप वो भी तुम्हारा। अबे जबान संभाल कर बात कर और सीधे सीधे नाम बता दे कौन है तू। शैतान का साला। शैतान का साला, तू बना मत मेरे दिमाग का भाजी पाला, नहीं तो एक हाथ घींच के दूंगा सारी की सारी चर्बी बाहर निकल जाएगी। अब सीधा सीधा नाम बता दे कौन है तू। कैसे बताए? अबे मुंह से ही बता दे, साइंस ने इतनी तरक्की रखी कि कहीं और से भी बताएगा। मैं उल्लू हूँ, उल्लू का पट्ठा हूँ, गधा हूँ। आप कौन? मैं पागल हूँ। और ये तुम्हारी आवाज रियाज के जैसे क्यों आ रही है?
तुम रियाज हो क्या? हाँ जी। और भाई रियाज कैसे कॉल करना हुआ मेरे को? ओ पागल सुन। हाँ सुनाओ। भगवान के नाम पे कुछ दे। भगवान के नाम पे क्या दूँ तुम्हें? मैनू लहंगा, मैनू लहंगा ले। लहंगा? लहंगा क्यों दूँ तुम्हें? तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड को देना है क्या लहंगा? हाँ जी। अबे लहंगा तो छोड़, तुझे तो कचरा खरीद के दूँ। पहले तू मेरा 2000 रुपया लिया था, वो तो पहले लौटा दे। कब दे रहा है 2000 रुपए मेरे? ओके लेकिन जल्दी देना, मुझे काम है रुपयों का। वैसे मैंने सुना है तुम शराब पीने लगे हो आजकल। हाँ जी। हाँ और पियो शराब, तुम्हारे बाबूजी को बता दिया है उस कालू के लौंडे ने। सच सच बोल हकीकत। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तुम्हें झूठ लग रहा है ना, तो घर आके देख लेना तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। और तुम इस वक्त शराब पीने गए हो ना? हाँ जी। हाँ तो मुंह धो लेना, नहीं तो तुम्हारे